फाइनली यार शादी वगैरह हो गई है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ यार सब लोग अच्छे ही होंगे। कोरोना टाइम चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखो। बॉस के ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे मैं कार में बैठा हूँ, तो सिंपल यार सबके दिमाग में सवाल आते ही है कि कहीं तो जा रहा है बंदा। तो हाँ, मैं जरूर जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त के बड़े भाई की शादी है, तो मैं एक्चुअली वहीं जा रहा हूँ। बनारस में शादी है, तो मैं जैसे अभी निकल ही रहा हूँ, ऑन द वे ही हूँ, आधा रास्ता पहुँच भी गया हूँ। बट मैं एक्चुअली थोड़ा रुका हूँ एक जगह पे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे यार मैं तो सजा धजा भी दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी जो कार है वो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, तो सोच रहा हूँ उसको सर्विस कराने के लिए। तो जस्ट अभी मैं रुका हुआ हूँ, उसको सोच रहा हूँ सर्विस करा लूँ थोड़ा सा यार। वो भी सिंपल सा है, शादी में जा रहे हैं तो थोड़ी सी कार भी चमकनी चाहिए ना यार, तो थोड़ा सा इंप्रेशन अलग हो जाता है, यू नो दैट यार। और मैं अभी फिलहाल आज के ब्लॉग में जो दिखाने वाला हूँ, यो यूपी की शादी के बारे में दिखाने वाला हूँ। और आपको भी पता है यूपी की शादियाँ जो है बहुत ही मज़ेदार होती है यार, डीजे वीजे डांस एंड बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते हैं लोग। तो अभी मैं जा रहा हूँ, जैसे कार वगैरह जैसे मैंने बोला सर्विस करा लूँगा, फिर वहाँ से मैं निकलूँगा और फिर मैं पहुँचूँगा वहाँ पे शादी वाले घर पे। वो भी सब वगैरह भी मैं आगे की जो भी रहेंगी वीडियोस वगैरह मैं आपको प्रॉपर दिखाते रहूँगा। उसके पहले, वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यह घंटी वाली बटन दबाना ना भूले, वो एक बार आप दबा दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ वगैरह आएंगी वो आपको प्रॉपर उसकी अपडेट मिलती रहेगी। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं जर्नी मेरी। जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों, ये देखिए अभी मैं बेसिकली पहुंच चुका हूं। ये देखिए काफी सारी गाड़ियां हैं खड़ी हैं, मतलब समझ जाओ कि गांव में पहुंच चुका हूं। रास्ता भी आपको दिख ही रहा होगा, गांव वाला रास्ता। साइकिल वगैरह गांव में ही दिखती है यार अभी आजकल ज़्यादा, तो समझ जाओ बस पहुंचने ही वाला हूँ मैं। ऑलमोस्ट यहाँ से होगा 200 मीटर्स मैक्स, 200 भी ज़्यादा हो जाएगा, 100 ही होगा। तो आइए देखते हैं क्या चल रहा है फिलहाल घर पे, कैसी है तैयारियाँ वगैरह। ये देख रहे हो जो गाड़ी चला रहा है बंदा, देख रहे हो ये अपना गोपी भाई है, हरिओम नाम है, गोपी गोपी प्यार से बुलाते हैं हम लोग। डीजे वगैरह सब है। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था अभी हम लोग बारात निकल चुकी है, ये आप देख सकते हो। अभी हम लोग मार्केट में हैं, पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, यहाँ से लगेगा आधा घंटा लगेगा हमें और पहुँचने में। तो अभी यहाँ से हम लोग रास्ते में हैं, तो वहाँ पहुँच के वहाँ का भी नज़ारा जो लाइव स्टेटस रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक देखते हैं, चलिए एंजॉय करते हैं जर्नी। मार्केट में रुके हम लोग शायद चाय पीने के लिए, तो अभी चाय वगैरह पी के फिर निकलेंगे यहाँ से। आप देख सकते हो, देखो सब लोग हैं इधर, गाड़ियाँ वगैरह, बाकी सब गाड़ियाँ पीछे हैं, आ रही हैं धीरे धीरे। हाँ पियो पियो पियो, चाय का मजा लेते हुए। ये बिलोंग बना रहे हो क्या? समय था मेरा रामपुर में ब्लॉग विद चाय, चाय पे चर्चा, रामपुर रामपुर बराते ठंडिया ऐसा बोलती चर्चा। बोला बोला चाय पे चर्चा, पीस भाई का खर्चा पियूंगा ना। दो भाई दो, बहुत समय बाद चाय पी रहे हैं क्योंकि रास्ते में चाय पीना भी जरूरी है, नहीं तो आदमी थक के नींद आ रही है। यह बात सही है, जरूरी है, जरूरी है। मेरे को ऐसे डालना पड़ा मेरे को। अरे उस दिन रात में जो आ रहे थे हम लोग जागी के, तो पूरा रास्ता मैं जाग के ही आया। बड़ा नगद कर लिया बच्ची। आज सही बोले बात छूट दे रिजत के घर पे होता। अरे भाई ये ठीक है, ये तो चलो इधर ठीक है, बड़ा तो बोले वो भी नहीं। अभी नया आप लोग देख रहे होंगे फिलहाल फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ मसला हो गया। लेकिन हम लोग ऐसा हो गया कि साला दूल्हे से पहले हम ही पहुंच गए। अब ये लफड़ा है, देखते हुए दूल्हे की गाड़ी आगे बुलानी पड़ेगी, पता है लोग दूल्हा हमें ही समझ लेंगे। बारात का कैमरा, फ्रंट कैमरा।
हेलो देख लो लोगों की खुशी देखो, पहुंच गए हैं, फाइनली पहुंचे हैं, तो लोगों की खुशी देख लो, खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही लोगों से, ऐसा लग रहा है बस। ठीक है भाई, तेरी लाइक ही हुई भाई, देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए जहाँ से यार बारात हो रहे थे ना, डांस वगैरह स्टार्ट होता है वैसे ही कुछ रहता है, तो वो इंतजाम यहाँ से किया गया है। ये दूल्हे का रथ और ये यहाँ पे इतनी पानी वगैरह का इंतजाम है, कुछ जो भी हो आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, अभी बाद में पता चलेगा। और ये हमारे दूल्हे की गाड़ी आ रही है, हम लोग खाली दूल्हे से पहले पहुँच गए थे, तो अभी ये दूल्हे की गाड़ी आ रही है, तो यहाँ से जो भी डीजे वगैरह रहेगा, रथ वगैरह का जो भी सिस्टम रहता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो चलिए डांस का इंजॉय जब करेंगे तो वो भी वीडियोज आपको दिखाता हूँ। आगे बढ़ते खाने पीने का प्रोग्राम फुल चालू है, नाश्ता कर रहे भी, खाना पीना भी नहीं बोल सकते, नाश्ता करने के बाद अभी जाएंगे घर पे। अपने दूल्हे राजा है, चेहरे की खुशी देखो, चेहरे की खुशी, खुशी समा नहीं रही, हाँ समझ सकते हैं। आज कुछ नहीं होगी तो कब होगी फिर? आज नहीं होगी तो कब होगी? पूछने की बात है कोई नहीं। जरूर जरूर। ये देखो बड़े भाई और छोटे भाई का प्यार देखो, वाह 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 वाह। बेसिकली हम लोग शादी में पहुंच चुके हैं अभी यार, ये आप लोग नीचे देख सकते हो, यहाँ पे है वो कुछ तो रस्म वगैरह रहती है शादी की, वही निभा रहे हैं लोग। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये लोग नीचे निभा रहे हैं, हम लोगों का वहाँ कुछ काम नहीं था तो हम लोग ऊपर आ गए खाना खाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो काफ़ी भीड़ दिख रही है आपको, इतने लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं, अरे कुछ कर नहीं रहे यार, खाना खा रहे हैं। बेसिकली शादी में लोग आते किस लिए है, 90% लोग तो खाना खाने ही आते हैं, 10% सिर्फ शादी करने आते हैं। तो ये अभी खाने वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है, तो चलो आओ दोस्तों, मैं आप लोगों को फ़िलहाल जैसे कि बताया मैंने खाने का सिस्टम चालू हो चुका है, तो आइए यार खाने में दिखा भी देते हैं क्या क्या मेनू है। बेसिकली खाने में मेनू को ज़रूरी रहता है ना यार दिखाना, तो चलो आ जाओ देखते हैं मेनू में क्या क्या है खाने के लिए। मेनू राइस, नथिंग ब्रो, राइस दाल, एंड दिस इज हवा फेमस कर रहा हूँ जरा, दिस इज बाटी चोखा भाई, बहुत स्मार्ट दिख रहा है तू, हवा भैया हम बहुत कर देंगे भाई, एक बैठना जरा, दिस इज पनीर नॉट बैड, थैंक यू ब्रो, और उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो देख दूंगा डायरेक्ट मोबाइल पे, चारू का पागल है काले। दिस इज द मेन्यू, कोफ्ता कोफ्ता पापड़, मुझे भी नहीं पता क्या है ये, मेरा भाई बहुत स्मार्ट दिख रहा है, चोखा दाल, बाकी सब सेम है, नहीं ये अलग है थोड़ा, दिस इज कॉल कलौंजी। अभी खाने वगैरह का प्रोग्राम हो गया है, आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि दूल्हे राजा काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में वो वरमाला वगैरह कुछ बोलते हैं यार, हाँ स्टेज का प्रोग्राम अभी चालू होगा थोड़ी देर में, तो जैसे स्टेज का प्रोग्राम चालू होता है मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। अभी थोड़ी देर में स्टेज का प्रोग्राम चालू होने वाला है दोस्तों, स्टेज का वरमाला का प्रोग्राम चालू होने वाला था, तो अभी आप देख सकते हैं दुल्हन आ रही है, तब कैमरा मैन ही आ गए हैं यार, अभी देख सकते हो आप लोग, दुल्हन आएगी फिर वरमाला वगैरह का प्रोग्राम चालू होगा। ये एक्चुअली हमारे यूपी में रिवाज है कि जब भी बहन वगैरह स्टेज पे जाती है तो भाई लोग उसको मतलब लाल कलर की चुनर से ऊपर लेके जाते हैं, स्टेज तक पहुंचाते हैं वो लोग। फिर मंगाई थी उसको, अरे इधर थोड़ी मंगाया था, ये लेके आया था, अरे ये मंगाया था पहले, पढ़ो और एक दो नहीं है अभी, नहीं छोड़ो छोड़ो,
पेपर शॉट लिया है, पेपर शॉट। दुल्हन के साथ अप्सराएं भी ऊपर जा रही हैं। ये दुल्हन के बाजू में अप्सरा लोग ही खड़ी रहती है, सजावट मेकअप वाले लोग, सब मेकअप वाली अप्सराएं देख सकते हैं आप लोग। इधर लाइन से आज आपको दिखेंगी, ये बड़ी बड़ी देवी, बड़े बड़े अप्सराएं दिखेंगी इधर आज, ठीक है, सब अप्सराएं इधर खड़े। आप लोग देख रहे होंगे वरमाला वगैरह तो हो गया है, अभी ये बोलते हैं ना आशीर्वाद वाला सिस्टम, तो अभी सब घर वाले जाके दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं। दूल्हा दुल्हन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यार, अच्छा है यार, खुशी रहना चाहिए। देखो हाँ, दोनों स्माइल कर रहे, क्या बात है, हाँ एकदम खुशी खुशी सब घर वाले मिल के आशीर्वाद दे रहे हैं। ये प्रथा काफ़ी टाइम तक चलती है, आधा एक घंटा चलेगी। अभी आप लोग देख रहे होंगे दूल्हे का जो था वरमाला वगैरह हो गया है, अभी ये फ़िलहाल दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ा गप्पे सप्पे मार रहे हैं, अभी इसके बाद फिर वो मंडप में फेरे वगैरह की प्रक्रिया चालू होगी, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा है टाइम बचा है, तो गप्पे सप्पे मार के मस्ती कर रहे हैं सब लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ फ़िलहाल। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी ये मंडप में जाने की तैयारी हो रही है, ठीक
अब दूल्हे राजा सरमार है, देखो ये मंडप में जाने दे। अब यहाँ से इन लोगों का जो भी रहेगा वो फेरा वगैरह का जो भी सिस्टम रहता है यार, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो यहाँ पर मंडप रेडी है, अंदर से कुछ लेडीज वगैरह गाना वगैरह कुछ तो बैकग्राउंड में चल रहा है। आई डोंट नो क्या है, समझ में नहीं आता है मुझे भी यार पूरा। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर में फेरा वगैरह स्टार्ट होगा। तो यार कर रहे हैं कि एंट्री की अनुमति मिले पंडित जी से तो आए, बाकी दर्शक लोग खूब बैठे हुए हैं। ये भाई अपने कैमरामैन, बाकी ये उसके बाजू में अपने गोपी भाई, उसके बाजू में देखो जीतू भाई अपने, हाय, ये अपने मुंबई के दोस्त लोग है। वो आदमी चाय ले, बारिश हल्का हल्का बारिश का मौसम हो रहा है, हो ना मौसम गड़बड़ा जाएगा तो फिर हालत खराब हो जाएगी। उम्मीद करो बारिश ना होए। अरे माँ छोद रहे तुम भी हो रही हो रही हो रही, हो रही तो हमको समझ में आ रही है ना, बोल रहे नहीं हो रही तो फिर जबरदस्ती करा है। अब बादल छेद कर गया तो नहीं छेद चले आएगा, बादल में छेद कर देंगे भाई। अरे हमको भी मालूम है हो रही है ना हो तो पूरा कर मौसम खराब बहुत बात है छोटा भाई तू मते ले ले कपड़ा उड़ा दिया सिलाई लाई हम ले ले कपड़ा उड़ा अश्विन हाँ ये हाँ हाँ वो है अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से अरे देख कुछ घाव में अरे आरो मत जाए माता मंगल कारे सागर दुजना देव सुदा सब की रचा है सब इनके शोभ तारी देव अरुण देव सूर्य पे ताल मिला रहे पंडित जी मन का पुण्य करो काम आज बोलते ना सिंदूरदान सिंदूरदान होगा कोई बात नहीं भाई देखते हैं सर तो फाइनली सिंदूरदान हो गया, शादी हो चुकी है। हरे हरे महादेव जय काली माई अरे
फाइनली आप लोगों ने देखा भाई की शादी हो चुकी है। अभी देखते हैं आगे का क्या नया रिवाज रहेगा। आई डोंट मुझे भी नहीं पता यार आगे होता क्या है, बट ठीक है देखते हैं। अभी फिलहाल तो शादी तो पूरी तरह से संपूर्ण हो चुकी है। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्त, शादी वगैरह हो गई है। अभी दुल्हन भी गाड़ी में बैठ गई, थोड़ा सा डिले हो गया मुझे, एक्चुअली काम में बिजी था। तो अभी दुल्हन भी गाड़ी में बैठ गई, अभी जस्ट विदाई का होने वाली है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं अभी घर पे। तो आगे देखते हैं घर पे पहुँच के फिर क्या वहाँ पे क्या तैयारियाँ वगैरह हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग रोड पे हैं, तो देख रहे होंगे चेहरा भी काफ़ी थका थका सा है ज़रूर, क्योंकि एक्चुअली पूरी रात जागे हुए हैं, तो इसके लिए चेहरा थोड़ा थका थका हुआ है। ठीक है, तो अभी जाके घर पे फिर सोएंगे आराम से। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं हम लोग रास्ते पे, एक्चुअली शादी हो चुकी है तो हम लोग निकल चुके हैं, अभी घर के लिए निकले हैं, ऑन द वे हैं। तो अभी थोड़ी देर में घर पहुँचेंगे, आधे एक घंटे में, फिर घर पहुँच के देखते हैं नज़ारा क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी दुल्हन घर पे आ गई है। अभी ये उतारने उतारने की तैयारी है कुछ तो यार, जोरो शोरों में। अभी थोड़ी देर में दुल्हन उतर के जाएगी घर पे, हम लोग भी घर पे आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे यार, फ्री हो जाएंगे फिर जाएंगे सोने के लिए, बहुत नींद आ रही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों, मैं अभी फिलहाल ऑन द वे हूँ, शादी वगैरह हो गई है तो सिंपल था घर जा रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे रोड पूरा गीला गीला हुआ है। हाँ यार, बारिश की वजह से है, और बारिश वाह 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 जबरदस्त बारिश चालू है यार सुबह से पूरा। आप बोलोगे अगर जौनपुर से लेके बनारस गाजीपुर ये पूरे इलाके में तब भयंकर वाली बारिश चालू है। बनारस में तो कई जगहों पर पानी वगैरह भी भर गया है। अभी मैं फ़िलहाल बेसिकली हाईवे पे हूँ, तो यहाँ पे पानी वगैरह जमा नहीं है, बट सिटी वगैरह में था। बनारस में तो काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह जमा हुआ है रोड पे। अभी मैं वैसे जा रहा हूँ घर पे, निकल चुका हूँ ऑन द वे। तो आप लोग देख रहे होंगे फुल बारिश वगैरह, रोड जो है गीला है। अभी तो फिर भी कम हो गई है, इधर थोड़े टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, इतनी बारिश थी कि कांच से भी बाहर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फाइनली यार शादी वगैरह हो गई है दोस्तों। अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं हूँ कार में बैठा हूँ, जस्ट निकला हूँ मैं अभी घर के लिए। शादी वगैरह सब अच्छे से हो गई यार, बट आज का मौसम, माय गॉड क्या मौसम यार, फुल बारिश के साथ, फुल बारिश सुबह से, इतनी बारिश आपको बता नहीं सकता मैं। बट अच्छा था यार कल शादी के दिन बारिश नहीं हुई, वो एक बहुत ही अच्छी बात रही। ठीक है, और शादी में हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट भी रहे, फन मोमेंट भी काफ़ी सारे थे। तो ठीक है, बस इसी के साथ अभी वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूँ, ऑन द वे हूँ। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट भी जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।